एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के ऋषि बाबा फूल संदे वालों ने नगर के श्री राम मैरिज होम में चल रही दिव्य धर्म सभा के दूसरे दिन कहा कि यदि कोई व्यक्ति कई सालों से बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ है तो ये धरती का ही घोर नर्क है। रही स्वर्ग की बात, तो आप इसे पाना चाहते हो तो नर्क भोग रहे लोगों की सेवा करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो तो स्वर्ग मिलेगा। सतपुरुष ने आगे कहा कि स्वर्ग को दुर्व्यसनों की कीचड़ से बचाकर सत्कर्म करते हुए आत्मा को पवित्र बनाओ, गुरु के उपदेशों पर अमल करो। बाबा ने कहा कि एक महिला ने साधु से कहा कि हमारा जीवन तो परतंत्र है, अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। बचपन में माता पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहता है। तब साधु ने कहा कि ऐसा केवल आपका सोचना है, आप तो प्रतिदिन घर में यज्ञ करते हैं, चूल्हा यज्ञ की अग्नि है, इस पर बनाया हुआ भोजन घर के सदस्यों, मेहमान, याचक के अलावा कुत्ता, बिल्ली, पक्षियों को भी खाने को मिलता है, इसलिए भोजन को प्रभु का गुणगान करते हुए, मंत्र बोलते हुए प्रसन्नचिन्न होकर बनाना चाहिए, तब वो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। सतपुरुष ने यह भी कहा कि जहां आप चार महिला या पुरुष एकत्र हो वहां एक दूसरे की बुराई ना करके ईश्वर की चर्चा करें। बोले गुरु महाराज, मन तो बस में आता ही नहीं, मन तो कुछ का कुछ बकवाद करता रहता है। मैं सोचता हूँ ये काम करो, मन कहता है अरे छोड़, ऐसा नहीं ऐसा क्या, हमेशा उल्टे कामों में मुझे लगाए रखता है। कहा